खटाखट गारंटियों पर सियासी गदर। वादों पर बवाल मचा इधर उधर। गारंटियां बन गई गले की फांस। कर्ज की टीस उठ रही है रह रहकर। वादों पर सियासी बवाल मचा है। सियासी बिसात पर चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर महाभारत छिड़ गई है। बीजेपी कांग्रेस की राज्य सरकारों पर हमलावर हो रही है। वादा तेरा वादा की पहली सीरीज में न्यूज 18 इंडिया ने हिमाचल प्रदेश की हकीकत दिखाई थी और पार्ट टू में हम आपको कर्नाटक की कहानी बताने जा रहे हैं। ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಇದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇ ಕೈ ವಾದೆ ಕಿಯೆ ಥೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇ ಅಪ್ನಿ ಸಭಾ ಮೇ ಎಲಾನ್ ಕಿಯಾ ಥಾ ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಬನ್ತೆ ಹಿ खटाखट ये गारंटियां पूरी कर दी जाएंगी। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने कौन कौन से वादे किए थे। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए की गारंटी दी गई थी। बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपए महीने देने की गारंटी दी गई थी। डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए महीने का वादा किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों को हर महीने 10 किलो चावल देने का वादा था। शक्ति गारंटी के तहत राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा भी किया गया था। हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया था। तो ये थे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वादे। इन वादों के दम पर कांग्रेस सत्ता में भी आ गई। लेकिन जब बात चुनावी नारे को जनता तक पहुँचाने की थी तो कर्नाटक सरकार के लिए राह इतनी आसान नहीं दिख रही। राज्य सरकार का दावा है कि गारंटियों से 57,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार के खजाने पर पड़ा है। दरअसल कांग्रेस ने जो 5 बड़ी गारंटियां चुनाव के दौरान दी थी और खटाखट पूरा करने का भरोसा दिलाया था, अब वो सरकार के गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई गारंटियां सरकार बनने के बाद भी पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह बढ़ते वित्तीय घाटे को बताया जा रहा है। रिसर्च कांग्रेस ने अनशंड बोल दिया है 1,000 रुपया दे दूंगा, जैसे कर्नाटक तेलंगाना में 1,500 रुपया दे दूंगा, 3,000 दे दूंगा करके ऐलान कर दिया है, लेकिन पैसा नहीं है। इन तेलुगु में कहते हैं डब्बू डब्बू ले दू इल्ले। नरेंद्र मोदी का जो कहना है, इलेक्शन कमीशन को कहना है, सुप्रीम कोर्ट को कहना है, फ्री बीस नहीं देने का है। फ्री बीस देने के पहले बजट में एलोकेशन कर लो। बिना एलोकेशन का, बिना अश्योरेंस का नोट छाप सकते क्या? नहीं हो सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर करारा प्रहार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश के लोगों को झूठे वायदे करने की कांग्रेस की संस्कृति से सावधान रहना चाहिए। पीएम मोदी ने हरियाणा का भी जिक्र किया कि किस तरह से हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को ठुकरा दिया। महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? और इनकी योजनाएं कभी अप करेंगे तब करेंगे, दिसंबर टिकना फैला
अरे तुम रहने ही वाले नहीं हो भाई, ये चुनाव में विदाई पक्की है। हालांकि कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि 52,000 करोड़ से 5 गारंटियों को लागू किया जा रहा है और इसके अलावा कर्नाटक के भविष्य के निर्माण के लिए 52,903 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी पर खुली बहस करने की चुनौती दे रहे हैं। इफ ही हैज अ इशू विद गारंटीज, लेट हिम विथड्रॉ लाडली बहना फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, हु इज टेलिंग हिम नॉट टू। सो व्हेन ही डज इट, इट इज द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। बट इफ कांग्रेस डज इट, इट इज इकोनॉमिकली ड्रेनिंग द इकोसिस्टम। सूत्रों की माने तो सत्ता पक्ष के ही कई विधायकों ने सरकार से कहा है कि इन गारंटियों पर हो रहा खर्च उनके विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले विकास फंड पर असर डाल रहा है, जिसके कारण उनके क्षेत्र के लिए मिल रहा फंड कम हो गया है। यानी चुनाव में खटाखट वादे हो रहे हैं, लेकिन उसका असर राज्य के खजाने पर पड़ रहा है और आर्थिक संकट का खतरा भी मंडरा सकता है।